दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट न्यूज़ अपडेट के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल का आइकन है उसको जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं। और ये जो अपडेट है ये आई है बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर जो है जॉन कुनलिफ, उनकी तरफ से। वो क्रिप्टो के फेवर में नहीं है। उनका कहना है कि क्रिप्टो को अनरेगुलेट कर दिया जाए क्योंकि क्रिप्टो में काफ़ी जोखिम है। और उन्होंने अपने लास्ट टाइम जो लोगों को वार्न किया था क्रिप्टो को लेकर, उस चीज़ को दोबारा से दोहराया। उन्होंने बोला कि जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं वो अपना सारा पैसा खोने के लिए तैयार रहें। उनका मानना है कि क्रिप्टो जो है वो एक सट्टे के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में हमेशा एक जोखिम बना रहता है। एनीवे ये तो अपना अपना व्यू है, कोई कुछ कहता है क्रिप्टो को लेकर, कोई कुछ कहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो रशिया से है। रशिया से जो ये न्यूज़ है ये भी क्रिप्टो के फेवर में नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो प्रेजिडेंट है रशिया के, व्लादिमिर पुतिन, उन्होंने क्रिप्टो लेन देन, क्रिप्टो पेमेंट के ऊपर जो है वो रोक लगा दी है। और ये जो क्रिप्टो को अनरेगुलेट करने वाला बिल था ये काफ़ी टाइम से विधानसभा में चर्चा का विषय बना हुआ था। इसको 8 जुलाई को मंजूरी दे दी गई थी। और अब बढ़ते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ दोस्तों। पैराग्वे एक छोटा सा देश है जहाँ की सरकार ने बिटकॉइन और क्रिप्टो माइनिंग के लिए रेगुलेशन बिल जो है वो पास कर दिया है। अब वहाँ पर क्रिप्टो जो है वो लीगल टेंडर डिक्लेयर हो चुका है। और ये जो रेगुलेशन था ये इसको मंजूरी दिसंबर में ही मिल चुकी थी, बट इसको जो है कुछ संशोधनों के बाद जो है अब इसको क्लियरली जो है पारित कर दिया गया है। और बहुत अच्छी जो है एक न्यूज़ है। एल साल्वाडोर के साथ साथ ये दूसरा कंट्री बन गया है जहां पर क्रिप्टो को पूरी तरह से जो है वो लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है।